सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ की कोठारी रोड स्थित श्री आत्मा राम बगीची में बाबा रामचंद्र दास महाराज की 25वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बजरंग सेन ने बताया कि गत रात्रि को आयोजित भजन संध्या में गुलाबदास जी का अखाड़ा सीकर के पीठाधीश्वर स्वामी मोहनदास महाराज ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। इसी प्रकार अन्य भजन गायकों ने भी भजनों की प्रस्तुतियां दी। देर रात तक श्रोतागण भक्ति रस में डूबकी लगाते रहे। वहीं शनिवार को सुबह भंडारा प्रसाद का आयोजन किया गया। संतों द्वारा भोजन के साथ भंडारे का शुभारंभ हुआ। स्वामी मोहनदास महाराज, कालिदास महाराज, विनोद कुमार गोठड़िया, जुगराज दर्जी आदि ने संतों को दक्षिणा दी व भगवा वस्त्र उड़ाकर अभिनंदन किया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में बजरंग सेन, हीरालाल गोदारा, नानूराम प्रजापत, अजय बागड़ा, शांति देवी, अर्जुन भगवान, भरत टेलर, बजरंग सोनी, बजरंग टेलर, निरंजन शर्मा, राजू शर्मा, निरंजन शर्मा, कमल राठी, रमेश बागड़ा, सावरण प्रजापत आदि श्रद्धालुओं ने योगदान दिया। आप भी देखिए किस प्रकार से यह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुआ और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। बहुत बढ़िया आयोजन, धार्मिक प्रोग्राम हो रहे हैं। कल रात में पूरा जागरण था, हजारों की संख्या में यहाँ में भक्तजन जागरण का आनंद लिया। बहुत अच्छे अच्छे भजन और कीर्तन, बहुत अच्छा कीर्तन हुआ और आज बहुत बड़ा भंडारा यहाँ में हुआ भक्तों का। और भगत और साधु संत हजारों की संख्या में यहाँ आए और सब ने प्रसाद ग्रहण किया। और ये मोहनदास जी महाराज जो सीकर के पीठाधीश है वो पधारे, उन्होंने भी रात में भजन का आनंद दिया और आज सबको आशीर्वाद प्रसाद के रूप में दिया और हजारों आदमियों को प्रसाद वितरण किया। कालिदास जी के सेवा में, उनके सानिध्य में पूरा प्रोग्राम हुआ। बजरंग जी सेन और सब पूरे कार्यकारिणी के अध्यक्ष कितने दिनों से लगे हुए थे कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और बहुत ही सुंदर और सात्विक रूप से ये प्रोग्राम हुआ। बहुत अच्छा लगा, हमको भी यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। इनका आशीर्वाद मिला, मोहनदास जी का आशीर्वाद मिला, कालिदास जी का आशीर्वाद मिला, ये सौभाग्यशाली हो गया। आज हमारे आत्माराम बाबा की बगीची सांगलिया कोठारी रोड सुजानगढ़ पर बाबा रामचंद्र दास जी बाबा जी की पुण्यतिथि हम मना रहे हैं और उनको 25 साल हो गए। और बाबा जी बड़े ही सरल स्वभाव के थे और कई उनमें ऐसी चीज़ें थी जो हम लोगों ने देखने को मिली और आज उनकी बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आसपास के सांगलिया के पीठाधीश मोहनदास जी बाबा जी और सभी हमारे यहाँ पधारे।